अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक एजुकैरियर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमडी कैट से पहले कुछ दिनों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह एंडिंग डेज में बेहतरीन रिवीजन और मेंटल प्रेपरेशन को इंश्योर किया जा सकता है। इस मकसद के तहत कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने जहन में बिठा लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी एडमिट कार्ड, ओरिजिनल CNIC या स्मार्ट कार्ड, क्लिपबोर्ड और 3 अदद बॉल पॉइंट्स पूरे कर लें। चूँकि आपने ये चीज़ें एंटी टेस्ट वाले दिन साथ लेकर जानी हैं, इसलिए परेशानी से बचने के लिए आप इन्हें पहले से ही तैयार रखें। लास्ट वीक में ख़ुद को मेंटली कूल एंड काम रखने की पूरी कोशिश करें और किसी भी किस्म की बिला वजह स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से अवॉइड करें। आप में से किसी के भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। ये कभी मत सोचें कि अगर टेस्ट अच्छा ना हुआ तो क्या होगा या मेरिट ना बना तो क्या होगा। इस किस्म के ख्यालात आपको मॉरली डिग्रेड करेंगे, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचें और ये गुमान करें कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। नेगेटिव, टाइम वेस्टिंग और टेंशन देने वाले लोगों से दूर रहें और अपने कॉन्फिडेंस को सलामत रखें। ख़ुद को हरगिज़ किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें और किसी से उसकी तैयारी के बारे में मत पूछें। खुद तरसी और मायूस कुन बातों से इज्तनाब करें। इस बात की फ़िक्र छोड़ दें कि टेस्ट आसान आएगा या मुश्किल। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और इसे अपना आखिरी चांस समझकर परफॉर्म करें। किसी भी किस्म की फजूल बहस, कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाई झगड़े से अवॉइड करें। अपने टेस्ट सिलेबस को बार बार रिवाइज़ करें, टेक्स्ट बुक्स पर फोकस रखें, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा टाइम दें और ईजी मटीरियल पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करें। अगर आपने अपनी बुक्स पर इंपॉर्टेंट मटीरियल को हाईलाइट किया हुआ है तो ये आपको फाइनल रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा और आप स्पीडली अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ करते जाओगे। और आप अपना सिलेबस जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको हौसला मिलेगा। पास्ट पेपर्स को भी एक बार अपने कॉन्फिडेंस के लिए गो थ्रू कर लें। एमडी कैट से पहले कुछ दिनों में अपनी डाइट, स्लीप और हेल्थ का खास ख्याल रखें। आपने हरगिज़ जज्बाती हो कि अपनी नींद बहुत कम नहीं कर देनी और खाना पीना भी कम नहीं करना। आप अपनी पुरानी रूटीन के मुताबिक ही अपनी स्लीप को मैनेज करें और मुनासिब खुराक लें। अगर आपको तबीयत की ख़राबी महसूस हो तो फ़ौरन मेडिसिन लें और अपने आराम का ख्याल भी रखें, क्योंकि इस वक्त आपको एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह की ज़ात से ढेर सारी दुआएं करें और अपने पेरेंट्स, टीचर्स और बड़े बुज़ुर्गों से दुआओं का कहें। ख़ास तौर पर जो लोग हज पे गए हैं उनसे खुसूसी दुआ का कहें, क्योंकि वहाँ मांगी गई दुआएँ कबूल होती हैं। अगर आपको इससे मुतालिक कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और दूसरों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें।